गले में चुभन कांटे जैसा दर्द रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि बोलने में भी मुश्किल हो रही है बलगम इतना है कि गला घुटने से बची हूँ छाले भी होते थे पहले यह किस चीज़ का दर्द हो सकता है थायराइड या टॉन्सिल का या फिर कुछ और साल दो साल सिर्फ मिर्ची लगती थी मुझे लगा पेट में छाले होंगे इसलिए और कमज़ोरी से हैं जब पथरी ठीक हो जाएगी तो ये भी ठीक हो जाएगा और आवाज़ भी बदल चुकी है उसके बाद एक मैसेज और किया है ये है कि चिल्लाने से भी टॉन्सिल्स या थायराइड आता है क्या क्योंकि रोज़ रोज़ चीख पुकार के बाद से ही मेरे गले में कुछ हो गया था दर्द होना शुरू हुआ था रोने से भी ज़्यादातर बीमारी घर से निकलने ज़्यादातर बीमारी घर से लेकिन पैसे भी नहीं जो निकल जाऊँ ना किसी की मदद मिली उल्टा बस क्लेश ही क्लेश होता रहा तो जैसा कि आपने कहा कि आपको ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं अब गले में कुछ चुभता है जैसे कांटे जैसा चुभता है तो कहीं ये टॉन्सिल की वजह से तो नहीं थायराइड की वजह से तो नहीं है आपको लगा कि कमज़ोरी की वजह से हो सकता है जब पथरी ठीक हो जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप अपने तरफ से अपने आप से इतने अंदाज़े क्यों लगाते हो यहाँ तो व्यक्ति को अगर जानकारी नहीं है तो डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और अगर डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है तो उसको अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए उस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए इस तरीके से कुछ भी मान लेना कुछ भी समझ लेना कोई भी दिमाग में बात आई उसको सच समझ लेना ये तो अपनी बीमारी को बढ़ाने वाली बात है इससे बीमारी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है एक बीमारी इनिशियल स्टेज में होती है शुरुआती दौर में होती है जो कि बहुत आसानी से काबू में आ सकती है लेकिन एक बीमारी बाद में वो कैंसर का रूप ले लेती है तब वो डॉक्टर के बस से भी बाहर हो जाती है वहाँ पे भी वो जवाब दे देता है वही बात है घाव स्टार्टिंग में शुरुआत में ही उसको बहुत छोटा होता है उसे काबू करना आसान होता है लेकिन जब वो घाव फैल जाता है तो फिर काम हो जाता है ख़राब तो आपने जैसे ये समझ लिया कि गले में अगर मान लो कोई दिक्कत है तुम्हारे तो कमज़ोरी की वजह से हो रही है कमज़ोरी की वजह से गले में दिक्कत थोड़ी होती है पथरी से गले की दिक्कत का क्या मतलब है तो अब इस किस्म की सोच अगर आप रखोगे सेहत को लेके तो स्वस्थ होने का तो सवाल ही नहीं उठता ऐसे स्वस्थ नहीं हुआ करते वैसे मैंने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई जहाँ पे लोगों को बेसिक जानकारी दी है और अगर कोई व्यक्ति उस बेसिक सी जानकारी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो सवाल ही नहीं उठता उसको इतनी बीमारियाँ हो जाएँ वो अस्सी नब्बे परसेंट बीमारियों को तो बहुत आसानी से ही उनसे बच जाएगा होंगी ही नहीं और जो आठ दस परसेंट होंगी उससे भी बहुत जल्दी निकल आएगा लेकिन सिर्फ कहने भर से और सुनने भर से समस्या सुध समस्या नहीं सुलझती उसका समाधान नहीं होता और कुछ भी ऐसा भी नहीं होता कि कुछ हम करने लग जाएं तो हम ये सोचने लग जाएं कि बस ये हफ्ता दस दिन में करने से सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अगर बीमारी पुरानी हो जाती है तो उसकी जो जड़ होती है वो अपनी जड़ जमा लेती है शरीर में हड्डियों तक में जमा लेती है तो उसको निकलने में भी टाइम लगता है चार छः महीने तो कम से कम मान के चलो अगर आप कुछ भी करते हो आप एक्सरसाइज करते हो देसी तरीका कोई आज़माते हो तो चार छः महीने से पहले रिजल्ट दिखाई ही नहीं देगा और अगर आप दवाइयाँ खाते हो जैसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हो तो वो तो इन्फेक्शन के लिए होती हैं वो इन्फेक्शन को टेम्प्रेरी तौर पे ठीक कर सकती हैं लेकिन वो जो रूट कॉज बन गया है शरीर में उसको ठीक नहीं कर सकती और आपने चिल्लाने की बात की चिल्लाने से थायराइड होता है क्या थायराइड के बारे में पढ़ा क्यों नहीं आपने पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करी किस से क्या होता है थायराइड किससे होता क्या है कुछ भी दिमाग में आता है उसको अगर आप बिना वेरीफ़ाई किए सच मान लेंगी तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है इससे नुकसान किसको होना है सिर्फ तुमको होना है वैसे ही इतनी परेशान हो इतना तड़प रही हो जीवन में तो अपनी सेहत को लेके केयरलेसनेस मुझे समझ नहीं आता क्यों तुम्हारी प्राथमिकता ही तुम्हारी सेहत होनी चाहिए और चिल्लाने से क्या होता है चिल्लाने से बहुत कुछ हो जाता है चिल्लाने से आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है दिमाग ख़राब होता है तो वो गलत फैसले लेता है अपनी सेहत को ले कर बिल्कुल केयरलेस हो जाता है उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता वो अपना ख्याल रखना ही छोड़ देता है और मैंने तो यहाँ तक भी देखी है बाते हैं बातें कि जब कोई व्यक्ति चीखता चिल्लाता है तो जो उसकी गले की मसल्स होती हैं जिससे आवाज़ निकलती है वो भी बैठ जाती हैं कई बार तो व्यक्ति की आवाज़ बदल हमेशा के लिए बदल जाती है ख़राब हो जाती है ज़्यादातर केसेस में तो मैंने आवाज़ को खराब होते देखा है जो चीखते चिल्लाते हैं और जब टॉन्सिल जैसी कोई समस्या हो गले में फिर चीखते चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से लड़ाई झगड़ा करना या ऊंची आवाज़ में बात करना उससे भी आवाज़ हमेशा के लिए खत खराब हो जाती है आप कितना मर्ज़ी फिर ऑपरेशन करा लें सर्जरी करा लें वो जो वॉइस बॉक्स होता है वो ख़राब हो जाता है तो फिर आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो जाती है लड़कियों की आवाज़ जैसे मतलब आदमी जैसे हो जाती है किसी की आवाज़ आदमी की औरत जैसे हो जाती है मतलब जैसे वो डैमेज हो जाता है वो सिस्टम ही डैमेज हो जाता है फिर बहुत बुरा लगता है वो इंसान बात करते भी उसकी आवाज़ चुभती है तो अगर गले की कोई समस्या थी दो साल पहले की थी तो दो साल पहले तुम क्यों नहीं ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर देना चाहिए था ना खैर चलो वो हो गई बात हो गई मैं तुम्हें यही कहूँगा ये सब चीज़ें क्यों होती हैं इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूँ कि मैं एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बता दूँ और ये जो चीज़ें होती हैं इन सब के अलग अलग डॉक्टर होते हैं जैसे ये जो समस्या है वो ई एन टी स्पेशलिस्ट की होती है आई नोज़ और थ्रॉट स्पेशलिस्ट होते हैं इनके लिए अलग डॉक्टर हैं जो पथरी की समस्या उसके लिए यूरोलॉजिस्ट होते हैं उसके लिए अलग डॉक्टर होते हैं सब चीज़ों के अलग डॉक्टर होते हैं मेरे को तो थोड़ा इंटरेस्ट था स्वास्थ्य में शरीर विज्ञान में इसलिए मुझे इतनी सारी जानकारी है और मैं देसी नुस्खे देसी तरीके बता सकता हूँ लेकिन वो प्राथमिक तौर पे शुरुआती दौर में अगर किसी को कोई समस्या है तो वहाँ पे तो कामयाब हो जाते हैं या व्यक्ति को अगर स्वस्थ है तो वो उस बीमारी से बचने के लिए कामयाब है लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत वक्त से परेशान है और अंदर बीमारियाँ उसने इतनी इकट्ठी कर ली हैं पता नहीं क्या क्या सूजा पड़ा है क्या क्या उसके अंदर स्वेलिंग आई पड़ी है कहाँ कहाँ अल्सर हुए पड़े हैं तो उसका उसमें तो फिर डॉक्टर का ही रोल आ जाएगा ना वो एंटी इन्फ्लामेटरी देगा एंटी एलर्जिक देगा एंटीबायोटिक देगा पता नहीं क्या क्या देगा और तो वो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर बता सकता है मैं आपको ऐसी गाइड करने लग जाऊँ और फिर मुझे ये भी विश्वास नहीं है कि आप कुछ करते भी हो कि नहीं करते क्योंकि इतनी इतनी मैंने वीडियोस बनाई हैं फीडबैक के नाम पे कुछ भी नहीं होता है रिप्लाई में कुछ भी नहीं होता है कोई बताए कोई बात नहीं बताई जाती कि हमें ये चीज़ समझ में आई हम ये चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है कर क्या रहा है तो क्या किया जा रहा है कुछ नहीं पता चलता तो ऐसे ना मैं गाइड कर सकता हूँ किसी को और ना ही ऐसी गाइडेंस का कोई फ़ायदा है करना है सही तरीके से करो अपने लिए करना है कितनी बार मैं बोल चुका हूँ मेरे लिए नहीं करना है सीखने चिल्लाने से लोगों को बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी खुद के ऊपर काम करना ज़रूरी है खुद को बदलना ज़रूरी है सारी ज़िंदगी चीख चिल्ला के देख लिया एक परसेंट भी तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क आया या तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आईं अगर आई हैं तो फिर ज़ोर ज़ोर से चीखो चिल्लाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर नहीं आई तो क्या आगे आ जाएंगी कुछ नहीं होने वाला अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते तुम्हारी जितनी समस्या शारीरिक है उससे ज़्यादा मानसिक है मानसिक तौर पे भी आपने अपने ऊपर इतना काम नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था जीवन आपका बहुत कठिन है आपकी परिस्थितियाँ शुरू से ही कठिन नहीं हैं आपको लोग सही नहीं मिले हैं वो समझ सकते हैं क्योंकि सही से शुरू से सही गाइडेंस मिली होती तो शायद ज़िंदगी इतनी कठिन नहीं होती लेकिन अब नहीं मिली तो अब क्या किया जा सकता अब हम अपने दुश्मन खुद हो जाएं तुम्हारी ज़िंदगी तो फिर भी चलो जैसी है तुमसे भी बदतर जिंदगी के लोगों को मैं जानता हूँ बहुत बुरी हालत है लोगों की बहुत बुरी समस्या है जिन दुनिया में बहुत दुख है मार पिटाई तक करते हैं लोग अपने घर में बच्चों की लड़कियों तक की पत्नियों की पति करते हैं मारते पीटते हैं बुरी तरीके से और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास जाने का शादी हो गई अनपढ़ हैं बच्चे हैं रिश्तेदार भी अपनाने को तैयार नहीं ऐसी ऐसी पत्नियों की ऐसी ऐसी हालत है जब अपना दुख सुनाती है ना मेरे को बस कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं होते क्या कहें मैंने वीडियोस भी बनाई हैं ऐसी एक वीडियो बनाई थी बहुत पुरानी जहाँ पे मैंने वो वैसे उसको इतने व्यूज़ नहीं मिले लेकिन अभी भी है वो वीडियो जिसका टॉपिक ही है कि पति मारता पीटता है बच्चों की फीस के पैसे नहीं देता और दारू के पैसे मांगता है मेरे से मैं कहाँ से पैसे दे तू तो? ऐसे ऐसे लोग भी हैं मतलब अब इसमें क्या कर सकते हैं लोगों को बदलने के बजाय खुद पे काम करना बहुत जरूरी है और आपने एक और बात बोली थी शादी के ऊपर छत्तीस साल की शादी उम्र हो गई अब शादी क्या करेंगे क्या ही मैं कह दूं इस बात के ऊपर मुझे तो समझ नहीं आता कि आप क्यों नहीं लाइफ को गहराई से देखती समझती जिंदगी अकेले व्यक्ति की क्या जिंदगी होती है हर व्यक्ति की एक नीड होती है इमोशनल नीड होती है हर व्यक्ति को एक सहारे की जरूरत होती है चाहे सहारा ना भी हो लेकिन एक साथी की जरूरत ज़रूर होती है जो उसके सुख दुख की बातें जिससे वो शेयर कर सके हर व्यक्ति की ज़रूरत है ये एक व्यक्ति प्रकृति ने नेचर ने व्यक्ति को बनाया ही ऐसे है शादी छत्तीस की उम्र में करो चाहे छियालीस की पैंतालीस की पचास की साठ की उम्र में सत्तर साल की उम्र तक में लोग शादी करते हैं क्यों करते हैं सेक्स के लिए थोड़े करते हैं सेक्स तो बिना शादी के भी बहुत आसानी से मिल जाता है वो शादी होती है विश्वास के लिए जीवन साथी के लिए हाँ शादी अगर सही से उम्र में हो जाए तो अच्छी बात है बाद में देरी हो जाए तो उसमें फिर एडजस्ट करना पड़ता है जैसे किसी किसी की पत्नी ख़त्म हो जाती है या किसी बीमारी की वजह से या किसी का पति ख़त्म हो जाता है डाइवोर्स हो जाता है तो उसी सिचुएशन में उनको एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों बच्चों में प्रेगनेंसी की दिक्कत बाद में आती है क्योंकि मेनोपोज लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन वो सब एडजस्टमेंट होता है लेकिन उसके बावजूद भी लोग शादी करते हैं क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे आपके भाई बहन हैं वो भी एक वक्त के बाद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे कोई नहीं पूछता किसी को इंटरनेट के यारों दोस्तों के सहारे ज़िंदगी नहीं निकलती ये तो ऐसे हैं ज़रा सी किसी बात का बुरा मान गए तो दोस्ती तोड़ने में मिनट नहीं लगाते हैं आप किसी के लिए कितना मर्ज़ी कर लो कुछ जरा सी बात बुरी लग जाए ब्लॉक करके छोड़ देंगे आप फिर विचार करते रहिएगा कि यार मैंने इतना कुछ किया मुझे क्या मिला ऐसा ही करते हैं लोग आपने आजमाया आजमाया होगा लोगों को आज़मा लेना ये आपको ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिल जाएंगे सोच लोगों की बहुत उतली सोच है गहराई नहीं है तो मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा अपने आप को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो ये जब गला ख़राब है तो लोगों बिल्कुल ऊंची आवाज़ में तो बात ही नहीं करनी है कोई तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करता है थोड़ा सहना सीखो पेशेंस धैर्य अपने लिए करना है ये जितना हम सहेंगे उतना हम इमोशनली स्ट्रॉग बनते हैं सहने का मतलब ये नहीं होता कि म सहना है जुल्म सहना है अब तुम ुलम भाई जगह कोई आप डिपेंडेंट नहीं हो तब तो आप घर छोड़ दो लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हो तो मजबूरी है सहना पड़ेगा लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा लेकिन जितना बर्दाश्त करोगे जितना रिएक्ट कम करोगे उतनी लड़ाइयाँ भी कम होंगी जितना ज़्यादा आप उनको रिएक्ट करोगे संघर्ष करोगे उतनी तबीयत तो वैसी ख़राब है तन से भी दुखी मन से भी दुखी और जब मन से ही व्यक्ति खुश नहीं होता तो तन से हो भी नहीं सकता इच्छा ही नहीं करती अपने तन का ख्याल रखने की तो कुछ मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता हूँ मैं वो भी पुराने वीडियो बनाई थी तुम्हारे कहने भी बनाई थी कि प्राणायाम के बिना भी लोग स्वस्थ रहते थे वो छह चीज़ें बताई थी वही अपनी ज़िंदगी में उतार लोगी तो बहुत स्वस्थ हो जाओगी एक मेरे मेरे पास मेरे से तुम जितनी बार जितनी मर्जी सवाल कर लो मेरे पास सिर्फ वही छः चीज़ें हैं बोलने के लिए और कुछ है ही नहीं और उन छह चीज़ों को वो जो मैंने बताई थी कि एयर वाटर हवा पानी ठीक है स्लीप सनलाइट नींद धूप होगी और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज़ ये चीज़ें हैं खुराक और कसरत बस ये चीज़ें हैं इनको करना ही पड़ेगा ये धीरे धीरे ज़िंदगी में शामिल करोगी ये शरीर की ज़रूरत है ये तन की ज़रूरत है इससे ठीक हो जाओगे अब नहीं करोगे सोचोगे चलो दस दिन कर लेते हैं फिर छोड़ दें ये तो सारी ज़िंदगी का होता है अब सारी अब नींद है जिंदगी में ज़रूरत है ना ऐसा तो है नहीं कि दस दिन अच्छे से सो लेंगे उसके बाद छोड़ दो ये तो लाइफ है ये आपकी सारी दिक्कतें लाइफ से रिलेटेड है दो साल पहले मिर्ची लगती थी तो क्यों नहीं तुमने सीरियसली लिया क्यों तुम उसको पथरी के साथ जोड़ रही हो पथरी के बारे में क्यों नहीं तुमने जानकारी इकट्ठी की लोग यार ये दिक्कत आपकी नहीं है लोग ऐसे ही करते हैं लोग सोचते हैं कि चलो अपने आप ठीक हो जाए अपने आप चीज़ ख़राब होती है ठीक नहीं होती है ठीक करना पड़ता है मैंने उस स्पेशल वीडियो जो प्रणा प्राणायाम के बिना लोग ठीक हो जाते हैं उसमें स्पेसिफ़िकली मैंने वाटर जो अगर तुमने वीडियो देखी है तो मैंने पानी की इम्पोर्टेंस के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दिया है और वो तुम्हारे लिए ही बनाई थी इसलिए मैंने उसमें किडनी स्टोन के बारे में डिटेल में बात बताई थी कि पानी की कमी की वजह से ही किडनी स्टोन होता है और ये जो गले में जो ख़राश हो रही है तुम्हारे गला ठीक नहीं हो इसमें भी डिहाइड्रेशन का इम्पोर्टेंट रोल है पानी की कमी की वजह से 80-90 परसेंट तुम्हारी शरीर में बीमारियां पानी की कमी की वजह से ही हैं तुम उतना भी पानी नहीं पीती जितना कि एवरेज लोग पीते हैं उसी की वजह से तुम्हारी जो शरीर में गंदगी आंतों में हो तो वो भी मतलब कहीं आपका ना यूरिन ठीक से पास आउट होता है ना आप का जो मल होता है ना वो आप त्याग पाते हो अच्छे से मतलब शरीर में आंतों में गंदगी सड़ती रहती है और फिर वो अंदर से अल्सर बना देती है वो स्वेलिंग कर देती है पथरी कर देती है और फिर आप तड़पते हो और दूध तो बिल्कुल छोड़ रखा है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हुई पड़ी है लोगों को यही नहीं पता कि जितना हम कैल्शियम लेते हैं निन्यानवे परसेंट तो वो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं और दिल है उसकी फंक्शनिंग में ही एब्सॉर्ब हो जाता है निन्यानवे पॉइंट नाइन नाइन परसेंट पॉइंट जीरो वन परसेंट बचता है जो आगे चल के किडनीज में जाता है और वो वो बेसिकली अगर पानी की कमी रहे व्यक्ति पानी ही ना पिए तो वही धीरे धीरे इकट्ठे इकट्ठे होके वो स्टोन बन जाता है इतना और लोग बिल्कुल ही कैल्शियम ही छोड़ देते हैं पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं जो बोलने लग जाते हैं कि नहीं कैल्शियम बिल्कुल मतलब कैल्शियम के बिना तो दिल भी ढंग से काम नहीं करेगा कैल्शियम कोई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जैसे ऑक्सीजन ज़रूरी है वैसे कैल्शियम ज़रूरी है लेकिन कैल्शियम के अब्ज़ॉर्बशन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है और विटामिन डी नहीं लोगे तो वो कैल्शियम शरीर में इकट्ठा होता चले जाता है और वो स्टोन बन जाता है पानी की इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं तो तुम्हारी जो शरीर लाइफ ही प्रॉब्लम है असली तुम दवाइयाँ भी कर लो तुम कभी ठीक नहीं हो सकती अगर तुम अपने लाइफ स्टाइल काम नहीं करोगे तो जो तुमने बलगम की बात बताई ये सब चीज़ें ये पानी ये सब गंदगी ही तो है इस पानी का क्या काम है पानी ही तो इसको निकालता है अब जो लोग पानी नहीं पीते तो बलगम इकट्ठी होती, होती जाती होती जाती है अंदर सब गंदगी तो आप पानी से दिक्कत क्या है तुमको पानी से डर लगता है कोई समस्या है क्योंकि मैं एक औरत को जानता था मुझे पहले मिली थी ऐसे ही ऑनलाइन मेरी बात हुई थी फ़ॉरनर थी वो वो भी पानी से उसको बड़ी दिक्कत थी पानी पीना ही पसंद नहीं करती क्योंकि वो तो फ़ॉरनर थी वहाँ ठंडा होता है तो इसलिए उसको वो पानी के बिना चल जाता था उसको जैसे तुमने कहा था कि तुम्हारे जो लिप्स हैं वो फटते हैं तो ये डिहाइड्रेशन सारे सिम्टम्स ही डिहाइड्रेशन के हैं। तो पानी तो तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन जो मुझे लग रहा है ये पूरा सोल्यूशन नहीं है डॉक्टर को तो तुम्हें कंसल्ट करना ही पड़ेगा लेकिन बस नॉर्मल तरीके से कि ज़िंदगी में दूध तुम पियो दूध तुम्हें बिल्कुल बहुत ज़रूरी है नंबर एक चीज दूसरा पानी कम से कम पाँच छः गिलास तुमको दिन में ज़रूर पीने चाहिए अगर पानी नहीं पिया जाता क्योंकि तुम्हें पानी पीने का अभ्यास ही नहीं है तो तीन चार गिलास तो कम से कम पी लिया करो तुम चाहे आधा आधा गिलास करके तुम पानी पियो तुम्हें पानी ऐसे पीना चाहिए ठीक है पानी हो लिक्विड तुम्हारी शरीर में नहीं जा रहा है लिक्विड जरूरी है जाना और अब थोड़ा थोड़ा जो होता है वैसे मैंने सब कुछ ही बता रखा है रिपीट करने वाली बात है पुरानी वीडियोज़ में सब कुछ है तो बस मैं ये कहूँगा पानी के ऊपर ध्यान दो अब ये जो बलगम की दिक्कत है ये काली मिर्च में इसका इस्तेमाल होता है कि दो काली मिर्च थोड़ी सी जैसे दो दाने होते हैं काली मिर्च के आप दूध के साथ पी सकते हैं उससे बलगम ठीक हो जाता है जो लहसुन होता है अदरक होता है इससे सारा बलगम ठीक हो जाता है चीखें चिल्लाए बिल्कुल नहीं क्योंकि गले की आवाज़ ख़राब होगी तो ये बिल्कुल फिर ख़राब हो जाएगी आप ठीक नहीं कर सकते इसको इसलिए बिल्कुल भी जब गले में दर्द हो रहा चीखे चिल्लाए बिल्कुल भी नहीं और मुझे पता नहीं टॉन्सिल में क्या करते हैं मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पर लेकिन इनके बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी तुमको लेकिन अगर ठीक तरीके से तुम दूध पियोगी काली मिर्च का इस्तेमाल करोगी या आ ये जो होती है जैसे मैंने अदरक बताया ये और और तुम भी देसी जो तरीके होते हैं वो ढूंढ सकते हो कि घरेलू घरेलू तरीके क्या होते हैं उन चीज़ों से और को, कोई चीज़ दिक्कत भी करती है तुमको तो फिर तुम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती हो लेकिन तुम्हारे शरीर में जितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं वो सिर्फ़ पानी की कमी से हो रही हैं और मिनरल्स विटामिनस की कमी से हैं तो दूध आप पिया करो पानी पिया करो थोड़ा बहुत चला फिरा करो प्राणायाम किया करो और अगर आपको यकीन नहीं आता योगा कुछ काम की चीज़ भी है प्राणायाम से कुछ फ़ायदे भी हैं तो काफ़ी इंफॉर्मेशन है वीडियोस हैं जो कि ये आपको एविडेंस तक दे सकती हैं कि कैसे ये लाइफ के ऊपर असर डालती हैं पॉजिटिवली तो ये सब चीज़ें हैं जानकारियां हैं ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ढूंढ नहीं सकती अपना आपके पास क्या है करने के लिए कोई ज़रूरी काम करते हो गए जो आपके पास टाइम ही नहीं मिलता सेहत से संबंधित चीज़ों को ढूँढने के लिए थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज करो ये सब ठीक हो जाएंगे और ये जो थाइराइड की बात बताइए कि थायराइड की वजह से टॉन्सिल होते हैं थाइराइड की वजह से मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है पाचन तंत्र पे फ़र्क पड़ता है इसका टॉन्सिल से कोई संबंध नहीं है और जैसे कमज़ोरी की कमज़ोरी का टॉन्सिल से कोई संबंध नहीं है जब कमज़ोरी होती है तो वो ब्लड की कमी की वजह से होती है पथरी का गले के दर्द से कोई संबंध नहीं है पथरी का मतलब ये है कि तुम जो है विटामिन डी नहीं ले रही हो तभी कैल्शियम तुम्हारा ना पानी पी पथरी का मेन रीज़न 90 परसेंट रीज़न पानी ना पीना होता है या पानी ज़रूरत से कम पीना होता ये है ये डॉक्टर बोलते हैं एक्सपर्ट्स बोलते हैं और जो 10 परसेंट जो रीज़न होता है वो विटामिन डी ना लेना होता है ये दो मेन रीज़न होते हैं तो बस ये चीज़ें इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो आप ठीक हो जाओगे लेकिन आपको ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा और आप जितना हो सके लड़ाई झगड़ा कम किया करो और शांत रहो जितना शांत रहोगे आपका मन स्वस्थ रहेगा और आप ठीक महसूस करोगे